हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रभात कुमार प्रसाद। वेलकम टू गेट अकेडमी प्लस चैनल। और जैसे कि फ्रेंड्स, हम लोग इंजीनियरिंग ग्राफिक्स में जो टॉपिक देख रहे थे, पिछले जो हमारे टॉपिक्स अगर आप देखेंगे हमारे वीडियोस में, तो उसमें हम लोग चल रहे थे प्लेन प्रोजेक्शन। ठीक है, तो प्लेन प्रोजेक्शन में हम लोगों ने कुछ कंडीशंस के ऊपर वर्क किया था और कुछ केसेस के ऊपर वर्क करना भी स्टार्ट किए। तो जो हम लोगों ने पुराने केसेस किए, मतलब केस वन किए थे, और आज जो हम लोग बाकी अदर केसेस करेंगे, वो केस स्टार्ट करने से पहले एक बार थोड़ा सा हम लोग हाईलाइट की तरफ ध्यान देंगे कि आज पूरे वीडियो में होने वाला क्या है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग थोड़ा सा बात करते हैं कि केस हम लोग क्या क्या पढ़े थे। ठीक है, तो हम लोगों ने तीन केसेस के बारे में बात की थी, जिसमें कि एक केस था कि परपेंडिकुलर टू बोथ द रेफरेंस प्लेन। प्लेन आपका क्या होगा? आपका परपेंडिकुलर टू बोथ द रेफरेंस प्लेन। मतलब एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं बात करूँ इसकी, मैं पिछले वीडियो की बात करूँ, हल्का सा थोड़ा सा रिव्यू लेंगे कि जब बात कर रहा था मैं कि प्लेन परपेंडिकुलर टू बोथ द रेफरेंस प्लेन, यहाँ रेफरेंस प्लेन का मतलब मैंने क्या बात किया था कि एचपी और वीपी जो आपका होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेफरेंस प्लेन। तो अगर बात यहाँ पे आ रही है परपेंडिकुलर टू बोथ, तो कंडीशन कुछ ऐसा होगा जिसमें कि आप देख सकते हैं कि ये आपका एक स्क्वायर प्लेन है। ध्यान से देखिए, दिस वन इज योर स्क्वायर प्लेन। आप इसे परपेंडिकुलर किसके रखे हम लोगों ने, वीपी के, और ये आपका एचपी के। तो अगर मान लीजिए कि मैं फर्श, जिस फर्श पे चल रहा हूं, जो फ्लोर पे चल रहा हूं, वो अगर हम एचपी कंसीडर करें और दिस ब्लैक बोर्ड इज कंसीडर एज वीपी, तो अगर आप देखेंगे ध्यान से, तो ये जो आपका पोर्शन आपका दिख रहा है, जो आपका एक प्लेन का पोर्शन दिख रहा है, ध्यान से देखेंगे तो यह आपका परपेंडिकुलर टू वीपी एंड परपेंडिकुलर टू एचपी आपका सेट किया गया है। तो यह हमारा पहला केस था जिसमें कि रिजल्ट क्या हमें मिला था कि अगर आप फ्रंट व्यू से देखेंगे तो भी आपको एक लाइन नजर आएगा और टॉप व्यू से देखेंगे तो भी एक लाइन नजर आएगा। ठीक है, अब हमारा केस जो है, आगे जो हम लोग केस बढ़ रहे हैं, तो वो है हमारा केस टू। तो केस टू क्या है, इसे समझिए। केस टू है कि प्लेन, पहला केस क्या था, प्लेन परपेंडिकुलर टू बोथ रेफरेंस प्लेन। अब यहां पर केस क्या रहा, प्लेन परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर टू वन रेफरेंस प्लेन एंड यहां पे क्या बोल रहा, परपेंडिकुलर टू वन रेफरेंस प्लेन एंड पैरेलल। वर्ड क्लियर समझिएगा, एंड पैरेलल टू दी अनदर। केस क्या समझिए कि आपका बोल रहा है, केस वन क्या था हमारा, परपेंडिकुलर टू बोथ द एक्सिस या बोथ द प्लेन्स बोल सकते हैं या बोथ द रेफरेंस प्लेन। बट यहां पे बात क्या कर रहा है कि एक आपका जो है, ध्यान से देखिएगा, एक आपका जो है वो परपेंडिकुलर है और एक पार्ट आपका क्या है, पैरेलल है। मतलब एक रेफरेंस प्लेन से आपका जो ऑब्जेक्ट होगा वो परपेंडिकुलर होगा और एक रेफरेंस प्लेन से आपका वो ऑब्जेक्ट पैरेलल होना चाहिए। तो हमारा कंडीशन कैसा जनरेट होगा, अब इसमें भी दो राय हो जाती है कि एक बार आपका होगा, इसमें भी दो टाइप हो जाएगा। पहला, जब आपका प्लेन जो है, प्लेन, अब देखिए रेफरेंस प्लेन कौन कौन सा होता है, तो रेफरेंस प्लेन हमारा होता है एचपी एंड वीपी। तो बात है कि प्लेन परपेंडिकुलर, मैं शॉर्ट फॉर्म परपेंडिकुलर का शॉर्ट फॉर्म लिखा हूं, ठीक है, परपेंडिकुलर टू वीपी एंड पैरेलल टू एचपी। एक केस आपका ये हो जाता है, इस केस के अंडर में सब केस की बात करें तो एक केस हो जाता है कि जब प्लेन आपका वीपी से परपेंडिकुलर होगा और एचपी से क्या होगा, आपका पैरेलल होगा। दूसरा केस क्या आता है आपका कि प्लेन परपेंडिकुलर टू एचपी, इसका वाइस वर्सा, एंड पैरेलल टू वीपी। क्या बोल रहा है आपका, दो केसेस आ जा रहे हैं, प्लेन एक बार परपेंडिकुलर है वीपी से और पैरेलल एचपी से, और दूसरा केस क्या आ जा रहा है इसका कि प्लेन आपका परपेंडिकुलर एचपी से और पैरेलल है वीपी के। तो चलिए पहले मैं इस केस पे ध्यान देता हूं कि अगर आपका प्लेन परपेंडिकुलर टू वीपी है और पैरेलल टू एचपी है, तब आपका ऑब्जेक्ट कैसा नजर आएगा।
तो ध्यान देंगे कि सपोज मैं सारे ऑब्जेक्ट्स के ऊपर ध्यान दूंगा, ये आपका क्या है, एक स्क्वायर है, स्क्वायर प्लेन है, कंडीशन क्या बोलता है, प्लेन परपेंडिकुलर टू वीपी, कंडीशन समझिएगा, प्लेन परपेंडिकुलर टू वीपी एंड पैरेलल टू एचपी। अगर मैं बात करूं, ये आपका स्क्वायर प्लेन है, ध्यान समझिएगा, ये आपका स्क्वायर प्लेन है, कंडीशन के अकॉर्डिंग प्लेन जो होना चाहिए क्या होना चाहिए, परपेंडिकुलर टू वीपी, इस वीपी के परपेंडिकुलर होना चाहिए और ये एचपी के आपका क्या होना चाहिए, पैरेलल होना चाहिए। तो ध्यान से देखिए मैं ऑब्जेक्ट को किस तरीके से रखूंगा। अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को इस तरीके से प्लेस कर रहा हूं तो ध्यान से देखिएगा कि आपका ये परपेंडिकुलर टू वीपी है एंड पैरेलल टू एचपी है, एचपी के पैरेलल है और वीपी से परपेंडिकुलर है। तो एक ध्यान से इसमें ऑब्जर्व करेंगे कि अगर मैं फ्रंट से इसे विजुलाइज कर रहा हूं, ध्यान समझिएगा, फ्रंट से अगर मैं इसे विजुलाइज कर रहा हूं तो फ्रंट व्यू में एक आपका लाइन ऑब्टेंड होगा, क्या होगा, एक लाइन आपको दिख रही है। बट अगर मैं टॉप व्यू की बात करूं तो आपका जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट मतलब आपका एक स्क्वायर जो है, जो भी आपका ऑब्जेक्ट है वो मुझे नजर आ रहा है, ठीक है। अगर मैं इसे टॉप व्यू से देखूं तो मुझे एक आपका स्क्वायर प्लेन नजर आ रहा है और फ्रंट से देख रहा हूं तो एक लाइन नजर आ रहा है। किस केस में, तो केस बोलता है प्लेन परपेंडिकुलर टू वीपी एंड पैरेलल टू एचपी, ठीक है। अगर मैं दूसरे ऑब्जेक्ट की बात करूं, जस्ट लाइक ये आपका पेंटागन है, पेंटागन की बात कर रहा हूं, पेंटागन में भी सेम केस अप्लाई करते हैं, प्लेन परपेंडिकुलर टू वीपी एंड पैरेलल टू एचपी। तो अगर मान लीजिए अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को इस तरीके से प्लेस कर रहा हूं, ध्यान समझिएगा, इस ऑब्जेक्ट को इस तरीके से मैं प्लेस कर रहा हूं, देखिए ये क्या है आपका पेंटागन। अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को इस तरीके से प्लेस कर रहा हूं तो ध्यान से देखिए ये आपका परपेंडिकुलर टू वीपी है एंड पैरेलल टू एचपी है। तो फिर से अगर मैं बात करूं सामने से, अगर आप फ्रंट से अगर आप विजुलाइज कर रहे हैं तो आपको एक सिंगल लाइन नजर आएगी, सिंगल लाइन जो कि यहां से लेकर यहां तक की लेंथ होगी, ठीक है, टोटल लेंथ होगी आपकी यहां से यहां तक की, सॉरी टोटल आपकी यहां से यहां तक की आपकी लेंथ होगी, ठीक है। तो ये आपका क्या दिखेगा, फ्रंट व्यू से आपका क्या दिखेगा, एक लाइन नजर आएगा। बट जब मैं बात करूं टॉप व्यू की, तो टॉप व्यू को अगर हम टॉप से देखेंगे तो ये हमें एक ऑब्जेक्ट नजर आएगा जो कि आपका पेंटागन है, तो पेंटागन हमें नजर आएगा, ठीक है। तो टॉप व्यू में हमें क्या मिलेगा, जो ऑब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट हमें ऑब्टेंड हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं बात करूं सर्कल की, अगर मैं बात करूं सर्कल की, तो देखिए सर्कल है आपका, अगर इस सर्कल की मैं बात कर रहा हूं और कंडीशन के अकॉर्डिंग बात कर रहा हूं तो प्लेन परपेंडिकुलर टू वीपी, तो ये रहा प्लेन परपेंडिकुलर टू वीपी एंड पैरेलल टू एचपी। तो ध्यान से देखिए ये पैरेलल टू एचपी है एंड परपेंडिकुलर टू वीपी है, ठीक है। अगर मैं आपको बोल रहा हूं कि फ्रंट से आप इसे विजुलाइज करिए तो आपको ध्यान देंगे कि आपको यहां से यहां तक की एक लाइन, आपको इतनी लंबी आपको एक लाइन ऑब्जर्व होगी फ्रंट व्यू में। लेकिन जब बात करूंगा टॉप से इसे विजुलाइज करने की, टॉप से अगर मैं इसे देखता हूं तो टॉप से एक सर्कल नजर आ रहा है जितना आपका साइज का सर्कल हमें क्वेश्चन में पूछा जाता है, ठीक है। तो ये आपका एक सर्कल नजर आ रहा है मगर फ्रंट से एक लाइन नजर आ रहा है, ठीक है। अगर मैं बात करूं पेंटागन के बाद हेक्सागन की, सॉरी सर्कल के बाद हेक्सागन की, तो हेक्सागन में भी आप ध्यान दीजिए कि ये आपका हेक्सागन है। अगर मैं कंडीशन के अकॉर्डिंग सेट कर रहा हूं, कंडीशन क्या बोलता है, परपेंडिकुलर टू वीपी एंड पैरेलल टू एचपी, तो ये रहा आपका परपेंडिकुलर टू वीपी एंड पैरेलल टू एचपी, ठीक है, परपेंडिकुलर टू वीपी एंड पैरेलल टू एचपी। अगर मैं इस तरीके से इसको सेट करता हूं तो फ्रंट से अगर आप विजुलाइज करेंगे तो आपको एक लाइन नजर आएगी, बट टॉप से अगर विजुलाइज करेंगे तो आपको एक पूरा का पूरा एक शेप नजर आएगा। चाहे आप ऑब्जेक्ट इस तरीके से रखिए, चाहे ऑब्जेक्ट आप इस तरीके से रखिए, किसी भी तरीके से रखिए, आपको फ्रंट व्यू में एक लाइन नजर आएगी और टॉप व्यू में आपको एक ऑब्जेक्ट नजर आएगा, जो ऑब्जेक्ट आपका वो होगा, ठीक है। तो इस तरीके से तो हम लोगों ने नॉर्मल ये समझ लिया, बट अब चलते थोड़ा सा 3D में समझते हैं कि आपका ये क्या क्या चीज होता है और कैसे, मतलब दिखने में कैसे दिखेगा, ठीक है। तो आप लोग फ्रंट ये देख सकते हैं, ये जो आपका सेटअप मैंने रेडी किया है, ये आपका अकॉर्डिंग टू फर्स्ट केस है। फर्स्ट केस क्या बोलता है आपका, प्लेन परपेंडिकुलर टू वीपी एंड पैरेलल टू एचपी। तो पहले ये समझेंगे कि ये आपका वीपी है एंड दिस वन इज योर एचपी। अब आप बोलेंगे सर वेयर इज द ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट आप ध्यान से देखिए, जो नीले रंग का आपका मटेरियल है, ये मैं जो शेड कर रहा हूं, ये आपका एक स्क्वायर प्लेन है
जिसे मैं जिस पार्ट को मैं शेड कर रहा हूं उसे ध्यान से देखिएगा, ये आपका एक स्क्वायर प्लेन है जो कि आपका ध्यान से देख सकते हैं, जिसका नेमिंग मैं दे देता हूं, ये ए बी सी एंड दिस वन इज डी। तो आप जो ध्यान से देख सकते हैं, ये जो आपका ए बी सी डी है, जो आपका ये शेडिंग एरिया है, शेडेड जो रीजन है, यह आपका क्या है, एक प्लेन है जो कि आपका कौन सा प्लेन है, स्क्वायर प्लेन है। तो इस स्क्वायर प्लेन को ध्यान से देखिए कि हमने रखा किस तरीके से, ये आपका एचपी के पैरेलल है और वीपी से आपका परपेंडिकुलर है। ध्यान समझेंगे कि ये आपका एचपी से कैसे आपका पैरेलल है और वीपी से कैसे आपका परपेंडिकुलर है। तो अगर मैं इसे फ्रंट से, यहां से अगर मैं इसे देखने की कोशिश करूं, ये सपोज कीजिए ऑब्जर्वर की आई है, यहां ऑब्जर्वर है और वो यहां से देखने की कोशिश करता है, तो उसे ये इस ऑब्जेक्ट का फ्रंट व्यू में आपका एक सिर्फ एक सिंगल लाइन ही ऑब्टेंड होगा। क्या ऑब्टेंड होगा? सिंगल लाइन। क्यों? क्योंकि आपका जो ये सीडी वाला पार्ट है, जो आपका ये सीडी वाला पार्ट देख रहे हैं, ये सीडी वाला पार्ट ए बी को आपका क्या करेगा, छुपा लेगा, हिडन हो जाएगा। जैसा कि हम लोगों ने पिछले कल वीडियो में देखा था, पिछले केस में देखा था, वहां आपको हिडन का कंसेप्ट थोड़ा बहुत समझ में आएगा। वैसे खैर हम लोग जब क्वेश्चन करते जाएंगे, जो न्यूमेरिकल्स करेंगे, तो उसमें और अच्छे से मैं हिडन केसेस पे वर्क करूंगा, ठीक है। तो यहां पे क्या हो रहा है आपका, सी और डी, मैं सामने से खड़ा हूं तो सी और डी मुझे दिख रहा है, ए और बी क्या हो रहा है, सी और डी के पीछे छिप जा रहा है। तो चलो हम इसे नेमिंग देते हैं आपका इस फ्रंट व्यू को। तो फ्रंट व्यू को नेमिंग देते वक्त ध्यान दीजिएगा, अब ऑब्जर्वर बोलता है कि मुझे तो सी और डी दिख रहा है, ऑब्जर्वर बोलता है कि भाई मुझे तो सी और डी दिख रहा है, तो यहां पे हो गया सी डैश, स्मॉल सी डैश एंड स्मॉल डी डैश, मुझे तो ए और बी दिख ही नहीं रहा है। अब समझिए कैसे नहीं दिख रहा है, मैं आपको इसको थोड़ा प्रैक्टिकल दिखाता हूं, ध्यान से देखिए। कंडीशन समझिएगा कि ये आपका ए है, ये पॉइंट मैं जहां टच कर रहा हूं, ध्यान से देखिएगा, ये पॉइंट आपका ए है, ये आपका स्क्वायर है, ये आपका पॉइंट ए है, ये आपका पॉइंट बी है, ये आपका पॉइंट सी है, ये आपका पॉइंट डी है। जब आप सामने से देखेंगे तो देखिए ये सी और डी, सी और डी, और ये हो गया ए और बी। तो जब आप सामने देख रहे हो तो सी और डी सिर्फ आपको विजुलाइज होगा, मगर ए और बी आपको नहीं दिखेगा, ठीक है, सी और डी दिखेगा। लेकिन ऐसा तो नहीं है कि ए और बी नहीं है, है तो, ऐसा नहीं है कहता कि ये आपका है ही नहीं, है मगर इसके पीछे छिप जा रहा है। तो उसी तरीके से अगर मैं बोलता हूं कि सिर्फ मुझे सी और डी दिख रहा है, ए और बी तो दिख ही नहीं रहा, तो मैं ए और बी का तो नेमिंग करूंगा ही नहीं। अगर मैं ऐसा बोलता हूं कि नेमिंग नहीं करूंगा, तब यहां फंसता क्या है मैटर, समझिए कि जब बात आती है कि दो ही पॉइंट मुझे दिख रहा है, तो दो पॉइंट से मुझे क्या ऑप्टेंड होगा, एक सिंगल लाइन। क्या कोई प्लेन ऑप्टेंड होगा? क्या पॉसिबल ही नहीं है। दो पॉइंट को आपस में जोड़ने से मुझे सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल लाइन मिलता है, एक प्लेन नहीं मिलता। और यहां पर अगर मैं बोलूं कि यह फ्रंट व्यू है एक प्लेन का सी डैश डी डैश, तो मैं इसे कैसे जस्टिफाई करूंगा कि सी डैश डी डैश आपका एक प्लेन का फ्रंट व्यू है? पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि पॉइंट तो दो ही है। अब दो पॉइंट से तो या तो लाइन बनेगा, प्लेन का तो कोई चांस ही नहीं है। कम से कम मिनिमम हमें तीन पॉइंट तो चाहिए एक नॉर्मल सा प्लेन बनाने के लिए, जो कि आपका ट्रायंगल है, मगर यहां पे तो सिर्फ दो पॉइंट ऑब्टेंड हो रहा है। तो अगर मैं इसको सी और डी को ही सिर्फ नेमिंग करता हूं, इन दैट केस ये आपका क्वेश्चन जो है कंफ्यूजन पैदा करेगा, जो आपका चेकर है या बोल सकते अदर पर्सन को, क्योंकि यहां क्लियर ही नहीं होगा कि आखिर ये प्लेन है कि लाइन है। आप तो बोलेंगे ये प्लेन है, बट कैसे सामने वाला समझेगा कि ये प्लेन है? तो उसके लिए हमें क्या करना है, पिछले क्वेश्चन में बताया था, पिछले कल केसेस में बताया था, यहां भी समझा रहा हूं कि सी के पीछे क्या छिप जा रहा है, बी। सी के पीछे क्या छिप जा रहा है, बी, और डी के पीछे क्या छिप जा रहा है, ए। तो सी के पीछे आपका ये हो गया स्मॉल बी डैश। हम लोगों ने बी को, बी डैश को हम लोगों ने क्या किया, एक ब्रैकेट में कवर किया। ब्रैकेट में क्यों कवर किया? क्योंकि वो है बट हिडन है, वो रियल में एग्जिस्ट कर रहा है बट वो क्या है, हिडन है। सेम वे अगर मैं बात करूं डी की, तो डी के पीछे ए छिप जा रहा है, डी के पीछे ए जो है आपका छिप जा रहा है, तो ए है तो सही, लेकिन क्या है आपका, हिडन है। तो यहां पे हम लोग क्या लिखेंगे, ए डैश बट इन ब्रैकेट, ठीक है। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा कि आपका ये जो फ्रंट व्यू है इसमें नेमिंग किस तरीके से, ठीक है। अब बात करते हैं इसके टॉप व्यू की। अगर मैं एज ए ऑब्जर्वर टॉप से अगर इस पूरे ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व करता हूं, तो
आप देख सकते हैं कि ये ऑब्जेक्ट जो है वीपी जो सॉरी कल जो एचपी पे एक आपका टॉप व्यू जनरेट करेगा। ये जो आप रेड वाली लाइन देख रहे हैं ये आपका टॉप व्यू जनरेट कर रहा है किस चीज का, आपका एबीसीडी प्लेन का, एबीसीडी आपका स्क्वायर प्लेन का टॉप व्यू जनरेट कर रहा है जो कि आपका ये रेड लाइन से शो किया गया। अगर इसकी मैं नेमिंग की बात करूं, अगर मैं इसकी नेमिंग की बात करूं तो नेमिंग कैसे करेंगे, ध्यान से देखिए, पॉइंट ए का टॉप व्यू यहां पे स्मॉल ए, क्योंकि हमें मालूम है टॉप व्यू को किससे शो करते हैं, स्मॉल लेटर से विदाउट एनी डैश, ठीक है, और फ्रंट व्यू कैसे शो करते हैं, स्मॉल लेटर विद डैश। याद रखिएगा, अगर गलती से भी आपने इसमें स्मॉल लेटर के साथ डैश लगा दिया तो क्वेश्चन का सॉल्यूशन गलत हो जाएगा, ठीक है, इसके लिए भी आपका एक नंबर काट दिया सकता है, ठीक है। ए का हो गया आपका स्मॉल ए, डी का आपका हो गया ये स्मॉल डी, सॉरी स्मॉल डी, तो ये हो गया आपका स्मॉल डी। सी का देखेंगे तो ये आपका मिल रहा है स्मॉल सी, एंड बी का ये आ गया आपका यहां पे स्मॉल बी। तो आप देख सकते हैं कि ये जो आपका रेड वाला रीजन है, ये जो मैं आपका रेड वाला रीजन जो शेड करने जा रहा हूं, ये आपका क्या है, टॉप व्यू ऑफ प्लेन ए बी सी डी। जो आपका ए बी सी डी प्लेन है उसका टॉप व्यू क्या है आपका, स्मॉल ए बी सी डी, ठीक है, ए बी सी डी आपका स्मॉल जो आपका नोट किया गया है यहां पे, और जो आपका रेड से आपका मैं शेड किया हूं वो आपका क्या है, इसका टॉप व्यू है, और ये आपका क्या है, फ्रंट व्यू है। तो इस तरीके से आपका ऑब्टेंड होता है फिगर, ठीक है। लेकिन हमें तो प्रोजेक्टर पे भी शो करना है, तो प्रोजेक्टर पे कैसे बनाएंगे इसको, हम लोग प्रोजेक्टर पे बना के देखते हैं ताकि वहां से भी क्लियर हो, ठीक है। तो चलिए अब इसका हम लोग क्या करते हैं, प्रोजेक्टर्स पे इसको हम लोग प्रोजेक्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारा काम क्या होता है, तो एक्स वाई लाइन हम लोग को ड्रॉ करना है। तो यहां पे मैं एक्स वाई लाइन ड्रॉ कर लेता हूं। सबसे पहले ये आपका एक्स वाई लाइन मैंने ड्रॉ कर लिया, ठीक है। तो ये आपका एक्स वाई लाइन है जो मैंने ड्रॉ कर लिया, यहां पे मैंने लिखा नहीं है, यहां पे मैं लिख देता हूं, दिस वन इज एक्स एंड दिस वन इज वाई। तो ये एक्स वाई लाइन आपका ये भी है, दिस वन इज ऑल्सो एक्स एंड वाई। अब बात आती है कि ये तो हो गया हमारा एक्स वाई लाइन, अब आता है कि हमारा फिगर क्या है। तो फिगर हमारा स्क्वायर है, और बात क्या है, हमें ध्यान से देखने वाली बात है कि हमें टॉप व्यू में हमें ऑब्जेक्ट जो मिल रहा है वो आपका क्या मिल रहा है, स्क्वायर मिल रहा है। तो समझिए, ये टॉप व्यू में हमको ऑब्जेक्ट क्या मिल रहा है, एक स्क्वायर मिल रहा है। लेकिन ये आएगा कहां पे, तो अगर मैं इसे रोटेट कर दूं 90 डिग्री, अगर इसे रोटेट कर दूं 90 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो ये आपका जो ऑब्जेक्ट है, ये जो आपका टॉप व्यू है, आपका कहां चला जाएगा, नीचे चला जाएगा। ये आपका कहां चला जाएगा, नीचे जाएगा, जैसा कि हम लोगों को फर्स्ट क्वाड्रेंट का कंडीशन हमको मालूम है कि आपका एचपी कहां चला जाएगा, नीचे चला जाएगा। तो यहां पे भी हमारा जो वो आपका ऑब्जेक्ट का जो टॉप व्यू है वो हमारा नीचे आ जाएगा। तो चलिए हम लोग उसको क्या करते हैं, नीचे बना लेते हैं। तो ये आपका, मान के चलिए कि ये आपका टॉप व्यू है, ये हमारा मान लीजिए टॉप व्यू हमने बना लिया। अब ये चीज जो है टॉप व्यू हो गया, लेकिन ऊपर आपकी तरफ देखिए, जो आपका वीपी में आपका जो फ्रंट व्यू उसका ऑब्टेंड हो रहा है, तो फ्रंट व्यू भी हमें बना, लेकिन कितना डिस्टेंस हो तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें मालूम चलेगा, उसका खैर टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन में आपका जो डिस्टेंस दिया गया उसके अकॉर्डिंग तो हम लोग डील करेंगे। हम यहाँ पे नॉर्मल एक आपका डिस्टेंस ले लेते हैं, जो भी हम डिस्टेंस मतलब एक अप्रॉक्सीमेट डिस्टेंस लेके चल रहे हैं। अब खैर जब क्वेश्चन आएगा तो क्वेश्चन में आपका डिस्टेंस दिया रहेगा। तो यहां मान लीजिए कि आपका कुछ समथिंग एक्स या वाई जो भी जेड कहते हैं आपका डिस्टेंस है, जो कि आपका फ्रंट व्यू में एक्स वाई से आपका फ्रंट व्यू बन रहा है ये ऊपर की तरफ या वर्टिकल तरफ, ठीक है। तो मैं इसे ऑब्टेन करता हूं, तो इसे मैं बनाता हूं। तो यहां पे देखेंगे कि हमें ये फ्रंट व्यू और ये हमें टॉप व्यू। तो चलिए नेमिंग करते हैं। तो नेमिंग क्या है, यहां ध्यान से देखिएगा, आपका इस साइड नेमिंग क्या है, आपका डी डैश एंड सी डैश, सॉरी ए डैश। आपका नेमिंग क्या है, ए डैश एंड डी डैश। फिर यहां पे नेमिंग क्या है, सी डैश एंड बी डैश, सी डैश एंड बी डैश। आपका एक मैं टॉपिक समझाऊंगा नेमिंग के ऊपर, बहुत बेहतरीन तरीके से हमें नेमिंग कैसे करना है। अभी तो मैं समझाने के लिए जो मैं कर रहा हूं वो अलग बात है, बट जब हम लोग नेमिंग किस तरीके से करेंगे कि आपका सटीक आपका सॉल्यूशन हम लोग अच्छे से कर सके, ठीक है, उसके ऊपर भी मैं क्लास लूंगा। लेकिन अभी जो है हम लोग सिर्फ अभी समझ रहे हैं, ठीक है, हमें कंसेप्ट क्लियर करना है, इसलिए अभी आप कंसेप्ट पे वर्क कर रहे हैं। तो ये आपका हो गया डी डैश ए डैश सी डैश बी डैश। अब बात आती है यहां पे
कि आपका एक्स वाई के नजदीक कौन सा है, तो ए है। अगर सपोज कीजिए मैं यहां पे लिख देता हूं कि ये आपका डी है और ये आपका ए है सपोज, तो ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन में, अगर मैं बोलता हूं डी आपका एक्स के एक्स वाई के पास है और ए दूर है, तो उसके अकॉर्डिंग तो ये कंडीशन गलत हो जाएगा। ये कंडीशन इसलिए गलत हो जाएगा कि भैया आपका छिप तो रहा था ए, हिडन तो आपका ए था, लेकिन यहां पे आपने टॉप व्यू में तो शो किया कि डी आपका हिडन है, तो आपका पूरा का पूरा सॉल्यूशन गलत हो जाएगा। तो याद रखिएगा कि आपको किस चीज को आपको हिडन रखना है और किस चीज को आपको विजिबल रखना है। तो यहां पे आपका जो है ये आपका ए होगा और ये आपका डी होगा, ये आपका बी और ये आपका सी। तो ये जो आपका ऑब्टेंड फिगर है, जो ये आपका फिगर ऑब्टेंड हुआ है, इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, एक जो भी कंडीशन दिया, कंडीशन क्या दिया हमारा कि परपेंडिकुलर टू वीपी एंड पैरेलल टू एचपी, परपेंडिकुलर टू वीपी एंड पैरेलल टू एचपी अगर कंडीशन देता है तो हमें इस तरीके से आपका ऑब्टेंड होगा। टॉप व्यू में आपका क्या ऑब्टेंड हो रहा है, एक पूरा का पूरा फिगर जो कि आपका ओरिजिनल फिगर है, और फ्रंट व्यू में एक ऑब्टेंड हो रहा है लाइन। फ्रंट व्यू में आपका ऑब्टेंड क्या हो रहा है, एक आपका फ्रंट व्यू में, ये आपका फ्रंट व्यू है, तो फ्रंट व्यू में आपका ऑब्टेंड हो रहा है एक लाइन, और टॉप व्यू में आपका ऑब्टेंड हो रहा है एक आपका पूरा का पूरा जैसा आपका फिगर है। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान देंगे। इस तरीके से हम लोग कोई फिगर हो, मैंने स्क्वायर इससे लेके बनाया ताकि स्क्वायर से इजीली आपको समझ में भी आए, और थोड़ा सा ज्यादा मतलब क्या होता है कि यहाँ पे जब मैं 3D व्यू बना रहा हूँ तो यहाँ पे क्या होता है बहुत ज्यादा कचरा ना हो जाए, इसलिए आपको मैं स्क्वायर से ही समझा रहा हूँ। ठीक है, तो ये इस तरीके से हम लोग सॉल्यूशन करेंगे आपका किस केस का, कि केस क्या बोलता है, प्लेन परपेंडिकुलर टू वीपी एंड पैरेलल टू एचपी। तो ये हो गया हमारा केस, केस टू का पहला पार्ट। अब आती है बात केस टू का सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट क्या बोल रहा था हमारा, तो सेकंड पार्ट बोल रहा था कि प्लेन परपेंडिकुलर टू एचपी एंड पैरेलल टू वीपी। क्वेश्चन में आपको एक चीज क्लियर हो गया होगा कि ज्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है, बस केस क्या हो गया उलट गया, केस क्या हो गया आपका उलट गया, मतलब वाइस वर्सा वाला खेल हो गया। आपका पहले जो वीपी से परपेंडिकुलर था इस बार एचपी से परपेंडिकुलर है, जो आपका एचपी से पैरेलल था यहां पे वीपी से पैरेलल हो गया, तो केस क्या हो गया उलट गया बस, और कुछ ज्यादा कुछ फर्क नहीं हुआ है। तो अगर एग्जाम्पल से अगर हम लोग समझने की कोशिश करें कि ये कैसा शो होगा, तो ध्यान से देखिएगा कि ये मैं बात कर रहा हूं, ये आपका हेक्सागोन है, ठीक है, ये आपका हेक्सागोन प्लेन है। मैं कौन से केस की बात कर रहा हूं, प्लेन टू, मतलब सॉरी केस टू, केस टू का भी सेकंड पार्ट। ठीक है, तो इसे समझिए कि प्लेन परपेंडिकुलर टू एचपी, एचपी से परपेंडिकुलर है, पैरेलल टू वीपी, वीपी से पैरेलल है, पहला केस के ठीक अपोजिट। तो ध्यान से देखिए, अगर मेरे पास ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट कौन सा आपका हेक्सागोन, अब मुझे केस क्या बोल रहा है, परपेंडिकुलर टू एचपी, तो देखिए मैं HP से परपेंडिकुलर रख दिया, एंड पैरेलल टू VP, देखिए VP से मैं पैरेलल रखा हूं, HP से परपेंडिकुलर, VP से पैरेलल, ये देखिए आपका ऑब्जेक्ट अगर आप सामने से देखेंगे तो ध्यान दीजिए आपको क्या दिख रहा है, पूरा का पूरा एक हेक्सागोन, पूरा का पूरा कलर आपका शेप दिख रहा है। तो यानी कि पैरेलल में अगर आप VP से रखते हैं तो आपको फ्रंट व्यू में पूरा का पूरा आपका ऑब्जेक्ट नजर आएगा, और परपेंडिकुलर रखते हैं एचपी से तो मुझे क्या नजर आएगा, एक सिंपल एक लाइन नजर आएगा। ठीक है, समझ कह रहे हैं आपको, सिंपल एक लाइन नजर आएगा। ठीक है, तो आपको यह चीज समझ में आना चाहिए कि जब हम लोग टॉप व्यू देख रहे हैं और आपका एचपी से आपका परपेंडिकुलर है तो मुझे क्या नजर आ रहा है, एक लाइन नजर आ रहा है। मगर अगर आप फ्रंट व्यू से आप खुद भी मतलब देख सकते हैं कि फ्रंट व्यू से जब आप देख रहे हैं तो ये आपको क्या नजर आ रहा है, अगर ये आपका पैरेलल टू वीपी है तो फ्रंट व्यू में आपका क्या नजर आ रहा है, एक पूरा का पूरा शेप। ठीक है, अगर मैं दूसरे ऑब्जेक्ट की बात करूं जस्ट लाइक सर्कल की, तो सर्कल की अगर मैं बात करूं तो देख सकते हैं कि पैरेलल टू वीपी एंड परपेंडिकुलर टू एचपी, फ्रंट से आपको एक पूरा का पूरा सर्कल नजर आ रहा है एंड टॉप से एक पूरा का पूरा लाइन नजर आएगा। अगर मैं बात करूं पेंटागन की, तो पेंटागन को देखिए, अगर मैं इस पेंटागन की बात करूं तो ये आपका पैरेलल रखा मैंने, किसके, वीपी के पैरेलल, एचपी से परपेंडिकुलर। तो ध्यान से देखिए, सामने से आपको पूरा का पूरा एक पेंटागन नजर आएगा फ्रंट व्यू में, और टॉप व्यू में एक लाइन नजर आएगा। अगर यही बात मैं ट्रायंगल के साथ करूं, तो ट्रायंगल के साथ अगर देखेंगे तो अगर मैं बात करूं कि पैरेलल टू वीपी एंड परपेंडिकुलर टू एचपी, तो आप किसी भी तरीके से देखेंगे तो आपको सामने एक फ्रंट व्यू में क्या नजर आ रहा है, आपको एक पूरा का पूरा शेप ट्रायंगल का, और टॉप व्यू से आपका एक लाइन नजर आ रहा है। अगर मैं बात करूं स्क्वायर की,
तो स्क्वायर की मैं बात करूं तो स्क्वायर में भी देख सकते हैं कि अगर आप फ्रंट से देख रहे हैं, चाहे कोई भी केस हो, कॉर्नर केस हो, साइड केस हो, कोई भी केस हो, अगर किसी भी मैं केस में देख रहा हूं तो फ्रंट से आपको एक ऑब्जेक्ट नजर आ रहा है जो कि आपका प्लेन है, या बोल सकते हैं मतलब स्क्वायर प्लेन है, और टॉप से मुझे एक लाइन नजर आ रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये तो समझ गया। लेकिन अब हम लोग इसे समझते हैं बाय 3D व्यू, 3D तरीके से हम लोग समझते हैं कि ये आपका रियल में दिखेगा कैसे। ठीक है, तो इस तरीके से तो हम लोग समझ लिया, आगे भी चलते हैं। तो फ्रेंड ये आपका जो मैंने सेटअप रेडी किया है, पैरेलल वाला सेटअप आप देख सकते हैं यहाँ पे। पैरेलल वाला सेटअप आपका क्या है कि प्लेन पैरेलल टू HP एंड परपेंडिकुलर टू VP। ठीक है, इसका अपोजिट यहाँ पे देख सकते हैं कि जो प्लेन है आपका, ये जो आपका ऑब्जेक्ट है, ये जो आपका प्लेन है जिसको मैं ब्लैक से शेड कर रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा, ये जो आपका ब्लैक से जो मैंने पोर्शन शेड किया है, ये आपका प्लेन है जिसका नाम हम लोग दे देते हैं कि मान लीजिए ये आपका A है, ये आपका B, C एंड D। तो ये आपका जो ऑब्जेक्ट है ABCD, आप इसका तरीका देखिए कैसे सेटअप किया गया है। ये आपका सेटअप है VP के पैरेलल, ये आपका जो है ये आपका VP है, VP के ये आपका पैरेलल है, एंड HP के परपेंडिकुलर है जो कि आपका ये HP है, और ये आपका हो गया XY। ठीक है, तो आप ध्यान से देख सकते हैं कि आपका ये VP के पैरेलल है ये ऑब्जेक्ट ABCD, जो आपका प्लेन दिख रहा है स्क्वायर प्लेन, ये आपका क्या है VP के आपका पैरेलल है, और HP पे आपका कैसा है परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो इसे आपका कहते हैं ये कंडीशन आपका जो हमारा सेकंड केस है वो हमको फुलफिल हो रहा है। ठीक है, लेकिन अब देखते हैं कि इसका आपका फ्रंट व्यू और टॉप व्यू कैसे ऑब्टेंड होगा। ठीक है, तो देखिए ध्यान से देखिए, अगर मैं एज ए ऑब्जर्वर मैं यहां पे हूं और फ्रंट व्यू मैं ध्यान से देख रहा हूं, फ्रंट से मैं देख रहा हूं, तो फ्रंट से अगर मैं देखता हूं तो देखिए फ्रंट से मुझे देखने पूरा का पूरा एक ऑब्जेक्ट नजर आ रहा है जो कि आपका फ्रंट व्यू में दिखेगा मुझे, जो कि अगर मैं फ्रंट व्यू में देख रहा हूं तो आपका पूरा का पूरा एक ऑब्जेक्ट दिख रहा है। तो हम अगर इसकी नेमिंग करें तो ये A का बनेगा यहां पे A', B का बनेगा आपका B', C का बनेगा आपका यहां पे C', और D का बनेगा यहां पे D'। ध्यान रखिएगा कि कोई भी आपका नेमिंग जो है ABC', ABCD', इसमें किसी में भी आपका डैश, अगर वर्ड डैश पॉइंट छूट गया तो मे भी आपका मार्क्स में कट हो सकता है, क्योंकि आपका डैश से ही शो होता है कि ये आपका ऑब्जेक्ट जो है आपका क्या है फ्रंट व्यू है। तो ये रहा A', B', C' एंड D'। तो ये आपका फ्रंट व्यू है जो कि मैं आपका देखिए इसको मैं रेड से शेड कर दे रहा हूं, तो ये जो रेड पोर्शन से शेड किया हुआ है ये आपका क्या है आपका फ्रंट व्यू। ठीक है, तो ये तो आपका पोर्शन हमको दिख गया फ्रंट व्यू, और ये आपका हो गया फ्रंट व्यू A', B', C' D'। अब बात आती है टॉप व्यू की, तो अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को टॉप से, एक ऑब्जर्वर है और यहां से टॉप से इस ऑब्जेक्ट को अगर ध्यान से देखे तो टॉप में उसे क्या एक नजर आएगा, सिर्फ और सिर्फ एक लाइन नजर आएगा, लाइन नजर आएगा। तो अगर वो लाइन को देख रहा है तो उसे क्या दिख रहा है, ध्यान समझिएगा कि उसे दिख क्या रहा है, उससे समझेंगे कि इसको दिख क्या रहा है। ध्यान से देखिएगा, ये VP है, ये HP है। अगर मैं टॉप से देख रहा हूं, देखिए आपके सामने अगर मैं टॉप से देख रहा हूं ABCD, ABCD, ध्यान से देखिए ABCD, अगर मैं टॉप से देख रहा हूं तो देखिए ध्यान से देखिए, मुझे जो दिख रहा है टॉप से A और B नजर आ रहा है, सिर्फ और सिर्फ A और B ही मुझे दिख रहा है, C और D तो मुझे दिख ही नहीं रहा, C और D मुझे दिख नहीं रहा है, लेकिन AB मुझे दिख रहा है। तो अगर मैं बोलूं कि AB मुझे दिख रहा है तो यहां पे नेमिंग जो होगा यहां पे B और यहां पे स्मॉल A हो जाए और हो गया आपका टॉप व्यू, तो ये आपका सही नहीं है। क्यों? क्योंकि AB मुझे दिख तो रहा है बट CD है तो सही, भले A और B के नीचे आपका वो क्या हो गया, हिडन हो गया, छिप गया, लेकिन रियल में आपका है। तो अगर है तो उसका भी तो नेमिंग करना पड़ेगा, और अगर बोलते हैं कि इसका नेमिंग करने की क्या जरूरत है अगर हिडन है, तो आपको यह समझ में आ जाना चाहिए जैसा कि हम लोगों ने पिछला केस किया था कि अगर हम सिर्फ और सिर्फ AB को शो कर रहे हैं तो दो पॉइंट ही दिखेगा, और दो पॉइंट दिखेगा तो दो पॉइंट से सिर्फ और सिर्फ हमारा क्या बनता है, एक लाइन बनता है, ना कि एक प्लेन बनता है। अब यहां पर बात आ रही है तो क्वेश्चन किसका है, प्लेन का है, तो मैं कैसे बोल दूं कि A और B जो मैंने लिखा है वो एक प्लेन का टॉप व्यू है, इज इट पॉसिबल? अगर मैं बोलता हूं कि टॉप व्यू जो है आपका ये जो शो हो रहा है वो एक प्लेन का टॉप व्यू है तो ये पॉसिबल होगा?
पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि हमको तो दो ही पॉइंट मिल रहा है, और दुनिया में कभी भी दो पॉइंट्स जोड़ने से एक लाइन के अलावा कुछ मिल ही नहीं सकता। और यहाँ पे तो हम लोग बोल रहे एक प्लेन है, एक मिनिमम प्लेन भी हमको कम से कम थ्री पॉइंट्स ही है, तो इसीलिए हमको यहाँ पे सी और डी को भी हमें मेंशन करना पड़ेगा, जो कि आपका हिडन है, कोई बात नहीं हिडन है, मगर हिडन को भी हमको मेंशन करने का तरीका होता है ब्रैकेट के साथ हम लोग उसे शो करते हैं। तो ये आपका हो गया ए डी और बी सी, जिसमें कि आप देख सकते हैं सी जो है आपका ब्रैकेट में है और डी जो है वो भी आपका ब्रैकेट में है। तो डी और सी जो ब्रैकेट में वो ये शो कर रहा है कि वो जो पार्ट है वो आपका क्या है, हिडन है। तो इस तरीके से आपका हिडन शो हो गया। तो देखिए ध्यान समझिएगा, ये केस क्या था आपका, इस केस को मैं लिख देता हूं, ये केस क्या आपका प्लेन परपेंडिकुलर टू एचपी एंड पैरेलल टू वीपी, ये केस क्या था आपका प्लेन परपेंडिकुलर टू एचपी एंड पैरेलल टू वीपी। तो आपका इस कंडीशन में हमें क्या ऑब्टेंड हो रहा है, ध्यान समझिए, हमें क्या ऑब्टेंड हो रहा है, जब हम फ्रंट व्यू की बात करते हैं तो हमें ऑब्जेक्ट ऑब्टेंड हो रहा है जो आपका रियल में ऑब्जेक्ट है, बट हम जब टॉप व्यू की बात करते हैं तो हमें एक सिंगल लाइन ऑब्टेंड हो रहा है। ध्यान समझिएगा, हम जब टॉप व्यू की बात करते हैं तो हमें सिंगल लाइन, और फ्रंट व्यू में हमें सेम ऑब्जेक्ट ऑब्टेंड हो रहा है। तो यानी कि अगर कंडीशन होगा कि प्लेन परपेंडिकुलर टू एचपी एंड पैरेलल टू वीपी, तो हमको आपका जो फ्रंट व्यू है उसमें हमको एक आपका प्योर ऑब्जेक्ट मिलेगा और टॉप व्यू में हमें एक लाइन मिलेगा। तो इस तरीके से आपका ये पूरा का पूरा 3D समझ में आ गया होगा। अब इसे हम लोग चलते हैं कि क्वेश्चन में हमको सॉल्व कैसे करना रहता है, क्योंकि हमें प्रोजेक्शन तो ऐसे बना के हमको एग्जाम में नहीं देना है, हमें प्रोजेक्टर पे हमको सेट करना है, तो चलिए हम प्रोजेक्टर पे इसको सेट करते हैं। तो चलिए इस केस का हम लोग क्या बना लेते हैं कि आपका प्रोजेक्शन में कैसा हमको शो होगा, जो कि हम लोग को एग्जाम में बेसिकली बनाना रहता है। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले एक्स वाई लाइन ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले हमारा सबसे पहला काम एक्स वाई लाइन ड्रॉ करना। तो ये हमने एक्स वाई लाइन ड्रॉ कर लिया, तो ये आपका हो गया एक्स वाई लाइन ड्रॉ कर लिए, ये हमारा एक्स वाई लाइन हमने ड्रॉ कर लिया। अब बात आती है क्वेश्चन में जाके ध्यान से देखेंगे कि हम लोग क्वेश्चन में क्या क्या चीजें हमें मिला है और किस तरीके से हमको इसके एक्स वाई पे पुट करना है। अगर बात करें हम लोग ध्यान से देखिए, तो फ्रंट व्यू में हमें क्या मिल रहा है, एक ऑब्जेक्ट मिल रहा है जो कि आपका स्क्वायर शेप है, जो ऑब्जेक्ट आपका रियल में है उसी शेप का हमको फ्रंट व्यू मिल रहा है। तो चलिए हम लोग पहले फ्रंट व्यू बना लेते हैं। तो फ्रंट व्यू में क्या मिल रहा है, एक स्क्वायर मिल रहा है, ठीक है, जो कि हम लोगों ने नॉर्मली स्क्वायर के लिए बनाया, इसलिए स्क्वायर मिल रहा है। पेंटागन होता तो पेंटागन मिलता है, जो भी हम बनाते हैं वो मिल जाता है। ठीक है, तो हम लोग स्क्वायर बना लेते हैं। तो देख सकते हैं आपका ये स्क्वायर हमें तो ऑब्टेंड हो गया। तो ये आपका स्क्वायर क्या है, फ्रंट व्यू है। हमें जो ये ऑब्जेक्ट ऑब्टेंड हुआ वो क्या है, हमारा फ्रंट व्यू है। लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए आपका फ्रंट व्यू के साथ टॉप व्यू भी चाहिए। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं, अगर मैं यहाँ देखूं और समझूं तो टॉप व्यू में हमें एक लाइन मिल रहा है, लेकिन ये लाइन जो है बेसिकली आपका एक्स वाई के नीचे है, एक्स वाई के नीचे नहीं है, हॉरिजॉन्टल प्लेन पे है। तो हम लोग इसे क्या करते हैं, क्लॉकवाइज 90 डिग्री जब रोटेट करते हैं, कितना डिग्री, 90 डिग्री, वो भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो ये एक्स वाई के नीचे चला जाएगा, या आपका कहां चलेगा, एक्स वाई के नीचे। और ये जो डिस्टेंस होगा, जो भी एग्जाम में दिया होगा उसके अकॉर्डिंग डिस्टेंस होगा, अभी हम लोग जो भी है अप्रोक्सीमेट हम लोग डिस्टेंस ले लेते हैं। तो मान लीजिए समथिंग डिस्टेंस पे आपका ये क्या आ रहा है, एक पैरेलल टू एक्स वाई आपका इसका क्या आ रहा है, टॉप व्यू। तो चलिए हम लोग इस टॉप व्यू को वहां पे अप्लाई करते हैं। इस एक्स वाई लाइन के पैरेलल जाके जो भी डिस्टेंस पे हो, जो भी आपका डिस्टेंस वहां क्वेश्चन में दिया हो, उसके अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पे क्या बना लेंगे, जो भी हमारा कंडीशन के अकॉर्डिंग है, जो कि आपका यहाँ पे क्या ऑप्टेंड हो रहा है, एक टॉप व्यू। तो ये आपका टॉप व्यू देखेंगे ऑप्टेंड हो गया। तो ये आपका जो है टॉप व्यू हमें ऑप्टेंड हो चुका है। अब इसे हम लोग नेमिंग करते हैं। तो नेमिंग करने के लिए भी इसका ध्यान रखेंगे, नेमिंग करने के लिए हम ध्यान रखेंगे कि जो हमने फिगर डील किया है उसे ध्यान से देखेंगे। तो देखिए यहां पे ए डैश बी डैश सी डैश डी डैश, तो सेम हम लोग यहां पे भी करेंगे, ए डैश बी डैश सी डैश एंड डी डैश। तो ये हो गया आपका फ्रंट व्यू का नेमिंग। अब बात करते हैं टॉप व्यू की नेमिंग। फिर चलते हैं हम लोग कि ए बी सी डी, तो ए डी इधर बना, बी सी इधर बना, लेकिन इसमें ब्रैकेट में कौन सा है, सी, और इसमें कौन सा है, डी है।
तो एडी और बीसी, तो यहां पे हमारा ए डी बी सी। ध्यान समझिए, अगर मैं गलती से डी की जगह ए में ब्रैकेट लगा दिया तो पूरा का पूरा सॉल्यूशन मेरा गलत हो जाएगा, पूरा का पूरा सॉल्यूशन मेरा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि जैसे यहां पे शो हो रहा है उसके अकॉर्डिंग ये सही है। अगर मैं गलती से भी ए में ब्रैकेट लगाता हूं तो इसका मतलब ये होगा कि आपका जो ए पॉइंट है वो यहां पे और डी पॉइंट है वो यहां पे होना चाहिए, जो कि आपका अकॉर्डिंग टू आपका जो कंडीशन हमने समझा है वो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो नेमिंग का भी बहुत प्रॉपर ध्यान रखना है। और इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, ऑब्टेंड करेंगे फिगर जो कि आपका कंडीशन क्या है, प्लेन परपेंडिकुलर टू एचपी एंड पैरेलल टू वीपी। तो इस केस में ये चीज ध्यान रखिएगा कि हमारा जो फ्रंट व्यू है, फ्रंट व्यू में हमें ये आपका फ्रंट व्यू, और फ्रंट व्यू में हमें क्या मिल रहा है, ऑब्जेक्ट मिल रहा है जो आपका प्लेन है, और टॉप व्यू में हमें एक सिंपल लाइन मिल रही है। तो ये आप ध्यान रखेंगे कि जब हम केस ले रहे हैं कौन सा, प्लेन परपेंडिकुलर टू एचपी एंड पैरेलल टू वीपी, तो आपका रिजल्ट ऐसा ऑब्टेंड होगा। तो ये था आपका दोनों को दोनों केस के किसके अंडर में था, प्लेन परपेंडिकुलर टू वन रेफरेंस प्लेन एंड पैरेलल टू द अनदर। तो पहला हम लोगों ने केस क्या देखा, प्लेन परपेंडिकुलर टू वीपी एंड पैरेलल टू एचपी, जो कि आप यहां पे देख सकते हैं। अब बात कर रहे हैं हम लोग सेकंड, जो कि है कि आपका प्लेन परपेंडिकुलर टू एचपी एंड पैरेलल टू वीपी, जो कि अभी हम लोगों ने रिसेंट में देखा। तो ये था आपका केस टू, आपका प्लेन प्रोजेक्शन का केस टू। इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और समझेंगे पहले कल, मतलब हम कंसेप्ट पे वर्क कर रहे हैं, इसलिए कंसेप्ट पे अभी आप समझते जाइए, जब हम लोग क्वेश्चंस पे आएंगे तो क्वेश्चन पे भी हम लोग उसको पूरा बना के भी दिखाया जाएगा ड्राइंग कॉपी में। तो हम लोग अभी कंसेप्ट क्लियर कर रहे हैं, बाद में ड्राइंग कॉपी में उसे बना के दिखाएंगे। क्वेश्चन में आपको जैसे जैसे पूछता है, जिस टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं उस टाइप का हम डील करेंगे। ये तो था आज का पूरा मतलब हमारा जो वीडियो था, ये पूरा का पूरा केस टू आपका आज ओवर हो गया। नेक्स्ट केस के लिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड प्लीज कीप वॉचिंग अवर वीडियो टिल द एंड, एंड प्लीज सब्सक्राइब अवर चैनल एंड शेयर टू ऑल। थैंक यू वेरी मच।